समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल जिला अध्यक्ष नगीना प्रसाद साहनी और निवर्तमान महानगर अध्यक्ष जियाउल इस्लाम के नेतृत्व में कानपुर में दबिश के दौरान अपराधियों द्वारा किए गए हमले में हुई 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के संबंध में ज्ञापन देने सपा कार्यालय से पैदल निकले पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट गेट पर जिलाधिकारी गोरखपुर की अनुपस्थिति में तहसीलदार सदर को ज्ञापन सौंपा। राज्यपाल महोदय को बदरिये जिलाधिकारी गोरखपुर भेजे गए ज्ञापन के संबंध में सपा जिला अध्यक्ष नगीना प्रसाद ने बताया कि शातिर अपराधी विकास दुबे द्वारा 8 पुलिसकर्मियों के हत्यारों की तत्काल गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए, साथ ही शहीदों के परिजनों को तत्काल 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाए और घायलों को 50-50 लाख मुआवजा दिया जाए। कानपुर की घटना से प्रभावित पुलिसकर्मियों के परिजनों को संरक्षण प्रदान किया जाए। इस अवसर पर विधान परिषद सदस्य संतोष यादव सनी, सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष प्रहलाद यादव, विजय बहादुर यादव, अमरेंद्र निषाद, सिंहासन यादव, रामनाथ यादव, राजमन यादव, केशव यादव, धनपत यादव, शकील अंसारी, राघवेंद्र तिवारी, राजू वीरेंद्र यादव, संजय यादव, अमित सिंह सैंथवाल, अमीरुद्दीन अंसारी, अखिलेश यादव सहित दर्जनों पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सपा जिला अध्यक्ष नगीना प्रसाद साहनी ने कहा, गेट बंद करके और जो हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस के 8-8, 9-9 और इसमें सेवा में महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ जेल जिलाधिकारी गोरखपुर बिल्कुल अभी हम जा रहे हैं डीएम साहब का ऑफिस लेकर के साथ माननीय राज्यपाल। अभी आपने देखा बीती रात कानपुर में हेस्टी सीटर विकास दुबे के द्वारा एक डीएसपी समेत 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी जाती है। हम लोग महामहिम राज्यपाल को एक पत्र देने के लिए आ जाए हुए हैं, उनके माध्यम से मांग करते हैं कि जो उसके हत्यारे हैं उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाए, जो शहीद हुए हैं पुलिसकर्मी उनके परिवार को 1-1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए और जो घायल लोग हैं उनके परिजनों को 50-50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। इन्हीं सारी मांगों के साथ हम समाजवादी पार्टी के लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। अभी हम लोगों ने महामहिम राज्यपाल महोदय को जो पत्र भेजना था वह यहाँ के मजिस्ट्रेट के माध्यम से, जिलाधिकारी के माध्यम से हम लोगों ने उसे सौंपने का काम किया है।